नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर के ग्राम छजपुरा में भारतीय जनता पार्टी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आयोजक डॉक्टर किशोर सैनी द्वारा मुख्य अतिथि संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी को फूलमाला से स्वागत कर सम्मानित किया गया। जनता पार्टी देश की मजबूती के लिए काम कर रही, देश के अंदर विकास हो और उस विकास की जो योजनाएं हमारी चली हुई आम जन तक ईमानदारी से के साथ पहुंच रही है और जनता को ये एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी देश का भला कर सकती है, देश की रक्षा सुरक्षा भाजपा कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज का रुझान है वो बढ़ रहेगा। धन्यवाद। श्री भूतेश्वर इंटर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित ऑल इंडिया अंडर 19 कलर ड्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट में मुजफ्फरनगर की टीम ने सहारनपुर की टीम को 113 रनों से हराकर मैच जीत लिया। शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले विशाल चौधरी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। SBBA द्वारा भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित ऑल इंडिया अंडर 19 क्रिकेट कलर ड्रेस टूर्नामेंट में विकास शर्मा 11 और सहारनपुर सुपर किंग्स के बीच मैच खेला गया। मुजफ्फरनगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 258 रन बनाए। मुजफ्फरनगर की ओर से विशाल ने 64 और वैभव ने 90 रन बनाए। सहारनपुर की टीम की ओर से शुभम ने 2 विकेट और आदित्य ने 1-1 विकेट लिया। 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सहारनपुर सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सहारनपुर में SSP आकाश तोमर के निर्देशन पर शातिर गौ तस्करों बदमाशों पर पुलिस का सिकंजा कसता जा रहा है। कई शातिर गौ तस्करों और बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पिछले 3 दिवस के अंदर सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में की गई शातिर गौ तस्करों और बदमाशों की गिरफ्तारी के संबंध में और चोरी की घटना के सफल अनावरण के संबंध में और भू माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर के SSP आकाश तोमर ने जानकारी दी। SSP आकाश ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों में सहारनपुर पुलिस द्वारा 3 मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। इसमें कई शातिर क्रिमिनल्स हैं, उनकी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। जैसे कि थाना गागलहेड़ी में शमशाद नाम का एक पुराना गौकश था जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे थे, उसकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद थाना देवबंद में एक गौकशी करने वाले गैंग के 6 लोगों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। 2 लोग भागने में सफल हो गए, उनकी भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इसके बाद थाना गंगोह में एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल था जो हरियाणा का रहने वाला था, उसने हरियाणा के विभिन्न जिलों में और जनपद सहारनपुर के गंगोह में भी क्राइम किया था और गंगोह में वो पिछले 4 साल से वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का भी इनाम था, इसकी भी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा थाना देवबंद पुलिस ने एक इंटर स्टेट गैंग जो वाहन चोरों का होता है उसको गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोग सहारनपुर के हैं, एक उत्तराखंड का है और एक पंजाब का है। ये लोग यहाँ से गाड़ी चोरी करते हैं और उसके बाद पंजाब में ले जाके उस गाड़ी को काट देते हैं। उत्तरकाशी के मौरी विकास खंड में फतारी गांव में मनरेगा में कार्य कर रही 5 महिलाएं मिट्टी धंसने के कारण मलबे में दब गई थी। इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने देर न करते हुए अपना सरकारी हेलीकॉप्टर तुरंत उत्तरकाशी भेजा। घायल महिलाओं को इस हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। 5 महिलाओं में से 1 महिला के अस्पताल आते समय मौत हो गई जबकि अन्यों का उपचार जारी है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। सरोवर नगरी नैनीताल की झील में डूबकर जान देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां बता दें कि कुछ दिन पहले एक नाबालिग छात्रा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। वहीं सुबह कुछ राहगीरों ने एक महिला का शव नैना देवी मंदिर झील के पास उतरता देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। महिला
के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से महिला के शव को अस्पताल के शवगृह में रख दिया गया है। मल्लीताल के प्रभारी निरीक्षक प्रीतम सिंह ने बताया कि नैना देवी मंदिर के पास महिला का शव मिला, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पेट्रोल महंगे दामों पर बेचे जाने को लेकर मंगलौर रोड की हाईवे पर स्थित अजंता फिलिंग स्टेशन पर युवक ने रेट से अधिक कीमत वसूले जाने पर हंगामा काटा, जिसके बाद पंप पर मौजूदा सेल्समैन ने उसे बकाया रुपए लौटाने का प्रयास किया, पर युवक ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि मुझे ही रुपए वापस किए जा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन हजारों लोगों से प्रति एक लीटर पेट्रोल लगभग 6.50 रुपए वसूले जा रहे हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए। युवक का कहना है कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 94.45 रुपए हैं, जबकि उन्हें 101.43 रुपए देने पड़ रहे हैं। जुलाई महीने में शुरू होने वाले सावन महीने के नीलकंठ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने नीलकंठ मंदिर और लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को क्षेत्र में संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। लोकल पुलिस को व्यापारियों के साथ बैठकर यात्रा के दौरान सहयोग लेने के लिए भी कहा। पुलिस कप्तान यशवंत सिंह ने कहा है कि बीते 2 वर्ष कोरोना काल के रहे, इसलिए नीलकंठ यात्रा पर शिवभक्तों की संख्या कम रही, लेकिन इस बार नीलकंठ मंदिर में लगने वाले सावन मास के मेले के दौरान लाखों शिव भक्तों के आने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी आगामी 1 जुलाई को क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें नीलकंठ मेले से जुड़ी तमाम समस्याओं को सुनने के बाद उसके समाधान की कोशिश की जाएगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने में एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर खुद ही आरोपी पहुंच रहे हैं। सिकंदराबाद के मोहल्ला जुमाईपुरा में 17 जून 2022 को दो पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद में मुकदमे दर्ज हुए, दबिश डाल पुलिस ने एक दिन बाद आरोपी अतिक को पकड़ लिया। अतिक के पकड़े जाने पर उसके साथियों ने स्वयं ही सरेंडर कर दिया। एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि अतिक और शाहरुख 307 जैसी गंभीर धाराओं के आरोपी हैं। मुकदमे में वांछित चल रहे थे, इसलिए इन दोनों ने सोचा कि कहीं पुलिस हमारा एनकाउंटर ना कर दे, तो ऐसे में तख्तियों पर लिखा था कि हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जिस वजह से वो थाने पहुंचे हैं। बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र में बंद पड़े मकबरे में पेड़ पर लटकते युवक का शव मिलने से नगर में सनसनी फैल गई। खोजा रोड पर बंद पड़े मकबरे में पेड़ पर लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस को दी गई, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शव जो है वो लगभग 3 दिन पुराना हो गया है और इसकी उम्र जो है वो 35 के करीब बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। डीसीएम अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हरिद्वार से गौला ये डीसीएम जा रही थी, जो कि पेड़ से टकराई है। डीसीएम में एक ही परिवार के कुल 17 लोग शामिल थे। घटनास्थल पर कुल 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, 3 महिलाएं, 4 पुरुष शामिल हैं। 5 अन्य घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है बरेली के लिए। परिवार मुवाया और लखीमपुर खीरी का है। सुबह 5 बजे के आसपास की घटना। घटना की सूचना पर डीएमएसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। थाना गजरौला इलाके की बताई जा रही है घटना। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश अभय निषाद के पैर में गोली लग गई। बदमाश की फायरिंग में बाल एसआई रिजवान बच गए। युवक को गोली मारकर लैपटॉप लूट में ये बदमाश शामिल था। बदमाश के पास अवैध असलाह बाइक बरामद हुई है। सदर कोतवाली के पटेल चौक पर मुठभेड़ हुई। वहीं हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा देखने के लिए मिला है, जहां दर्दनाक हादसे में अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 34 में मौत का खौफनाक मंजर देखने के लिए मिला। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 में मोहदा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी में
चाकू चले हैं, जिस दौरान एक युवक की मौत हो गई। गाड़ी चलाने को लेकर आपसी कहासुनी हुई। चाकू लगने के बाद जन मेडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भुजपुरा की यह घटना है, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अमेठी में 17 जून 2022 को महिला को जबरदस्ती जहर दिया गया और ग्रामीणों के हस्तक्षेप पर महिला को लेकर दवा के लिए उसका पति निकल गया, लेकिन महिला ने दूसरे दिन दम तोड़ दिया, जिसके बाद पति द्वारा महिला का शव घर ले जाया गया, जहां मृतक का महिला के परिजनों को दी गई सूचना और पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पति ने ही जहर देकर पत्नी की हत्या कर दी है। हालांकि पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।